हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बिग साइज़ में शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ। और जो आप देख रहे हैं ये सलवार कुर्ती से बना है और ये ऑर्डर पर आया था, डिज़ाइन बताई गई थी तो मैंने इसको बनाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई आपको मैं दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा है इस तरह से। और इसकी वॉल इधर है, इसकी इतनी चौड़ाई, जितना भी आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं चौड़ाई है। शेप इसका इस तरह से है, एक पॉकेट हमने यहाँ दी है, एक पॉकेट हमने यहाँ दी है और बीच में पॉकेट आपने देखी है। तो ये सफ़र में, शॉपिंग में, पिकनिक पर, कॉलेज में, ऑफिस में, जहाँ भी जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16x16 टू पीस क्विल्टेड, 14x16 वन पीस क्विल्टेड, 6x36 वन पीस क्विल्टेड, 11x16 टू पीस क्विल लाइनिंग, 4x10 वन पीस लाइनिंग, जिप 16 इंच टू, 10 इंच वन, रनर 6 पीस, बेल्ट 26 इंच टू पीस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 16x16 का एक पीस लेंगे और कुछ मेजरमेंट करेंगे। ये 16x16 इंच का हमारा पीस है और ये भी आज मैं सलवार और कुर्ती, पुरानी सलवार और कुर्ती चिकन की है उससे मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इसको मैंने कुल कर लिया है काट के। अब किसी भी एक साइड से 9 इंच आप जाएंगे, पूरा एक निशान लगाएंगे। ये 9 इंच आप निशान देख रहे हैं, पूरा लगा हुआ है। इसको कट करेंगे और जिप लगा देंगे। इलेवन बाई 16 इंच की एक लाइनिंग लेंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे तो हमने लाइनिंग और पॉकेट कर दिया, ऊपर के हिस्से में ऊपर से आएंगे, 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरफ से भी 4 इंच का एक मार्क करेंगे। इन ये फोर दोनों को मिला करके यहाँ पर एक हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। सेम प्रोसीजर इधर भी, 4 इंच लाइन खींचेंगे, मार्क कर देंगे। अब इस 4 से 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और इस 4 से 2 इंच इधर निशान लगाएंगे और ये 3 इंच डाउन जाते हुए एक निशान देंगे, सेंटर निकाल लेंगे पहले। ये हमारा 8 इंच है, 4 इंच हमने ये ले लिया, 2 इंच ये ले लिया, 4 इंच ये ले लिया, 2 इंच ये ले लिया, बाकी हमारा यहाँ पर 4 इंच फिर बचा है, 3 इंच डाउन गए और इसके बाद यहाँ पर एक नेक का निशान दे दिया। इसको अब हम कट कर देंगे। इसको संभाल के रखना है क्योंकि ये इसकी ज़रूरत हमें कई जगह पड़ेगी। इसको तैयार करने के बाद एक बेल्ट लेंगे, 26 इंच की हमने बेल्ट ली है और यहाँ पर लगा देंगे। अब दूसरा 16x16 का पीस लेंगे, एक साइड से 9 इंच ऊपर जाएंगे, ये 9 इंच है, 8 इंच ये सेंटर है, सेंटर से 9 इंच ये हमने ऊपर निशान लगा लिया, आप देख सकते हैं। तो ये जो सेंटर 8 इंच वाला जो सेंटर है, इस सेंटर से 4 इंच इधर लेंगे, 4 इंच इधर लेंगे, ये टोटल हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो ये हमने 8 इंच लिया है। इसके साथ के लिए जिप हमने 10 इंच की ली है और लाइनिंग 11x16 इंच की एक लाइनिंग है और 4x10
10 इंच का एक ये कपड़े का पीस है। तो अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से डबल करेंगे, लाइन में रखेंगे बीच वाली लाइन पे, और अब इसको हम धीरे से खोल देंगे। खोलने के बाद जो नीचे 8 इंच पे मार्क किया था वहाँ मार्क करेंगे, ये मार्क हो गया, ये हमारा सेंटर आ रहा है 9 इंच, ये हमने लाइन खींच ली। अब इस लाइन के किनारे किनारे हम मशीन चलाएंगे। फोल्ड करेंगे, सिलाई के बीच का जो गैप है उसको कट कर देंगे। अंदर फोल्ड करेंगे बराबर से, जहाँ पर सिलाई है खींचते हुए पिन लगा देंगे। अब इस साइड से इसके किनारे मशीन चला देंगे। अब 10 इंच की जिप लेंगे, अब इस जिप को यहाँ पर रखेंगे। ये जो पिन लगाई थी तो ये हमारा 8 इंच का गैप है, जिप हमने 10 इंच ली थी, 1 इंच इधर निकालेंगे 1 इंच इधर निकालेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी रहे, और इसको यहाँ सेंटर में पिन कर देंगे। सामने की तरफ से सिलाई देंगे जिससे कि सफाई आ जाए। अब पीछे साइड से सारी पिन वगैरह निकाल के और इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब 11x16 का दूसरा पीस लेंगे और इसको भी सेम प्रोसीजर में कवर कर देंगे। और ये हमारा दूसरा पीस तैयार हो गया। अब इसमें भी हम मेजरमेंट करेंगे, ऊपर यहाँ पर 4 इंच निशान लगाएंगे, 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, इधर भी लाइन खींच लिया है, सेंटर निकाल करके नेक बनाया है और इसको कट करेंगे। अब जो मैंने बताया था ये नेक काम आएगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और निशान लगाएंगे जिससे कि बराबर की कटिंग आए। बेल्ट लगाने के बाद अब हम लेंगे 14x16 का पीस, इसमें मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 14 है, ये हमारा 16 है। अब 4 इंच डाउन जाएंगे, एक निशान लगाएंगे, फिर हम 6 इंच डाउन जाएंगे, ये 6 इंच पूरा हमने निशान लगा लिया है। 6 इंच में भी इसको हाफ कर देंगे, 3 इंच इधर 3 इंच इधर, आप देख रहे हैं निशान लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये 4 इंच है। इसमें भी हमने यहाँ पर 4 लिया और यहाँ पर लाइन बना दी, और उसी तरह से नेक उसी मेजरमेंट में 3 इंच डाउन जा कर के 4 इंच का डिस्टेंस लेकर के और इसको कट किया है। इस तरह से पूरा मेजरमेंट इधर भी और इधर भी हमने सेम निकाला है, आप देख रहे हैं इधर भी नेक है, इधर भी नेक है, और इधर भी हमने ये 4 पर निशान लगा दिया। बिना निशान लगाए कोई काम नहीं करना है, फिटिंग सही नहीं आएगी नहीं तो। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब ये जो बीच में 6 इंच के बीच में जो ये 3 इंच में हमने इसको डिवाइड किया था, इसको कट करेंगे और यहाँ पर जिप लगाएंगे। रनर डालने के बाद अब हम
जो हमने ये 16x16 के दोनों पीस तैयार किए थे बेल्ट वाले मेन पीस, उसको लेंगे और फिर एक मेजरमेंट करेंगे। ये जो नीचे का हिस्सा है, इधर बेल्ट का हिस्सा है, इधर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ से हम 3 इंच अप जाएंगे और 3 इंच इधर से आएंगे कॉर्नर के साइड, और 2 इंच इस कॉर्नर से यहाँ पर ये मार्जिन लेंगे और इसको यहाँ पर गोल शेप देते हुए मशीन चला देंगे। और इसके साथ हमने लाइनिंग लगाई थी, तो मशीन चलाना ज़रूरी है कट करने से पहले। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मशीन चली हुई है। अब इसके किनारे से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसको हम कट करेंगे। ये हमने राउंड शेप दे दिया, इसको यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, दोनों पीस को लाइन खींचेंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये कट का निशान है, इसलिए हमें एक चाप की दूरी से अंदर से मशीन चलानी होगी। अब ये जो चौक का निशान यहाँ पर है इसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारा बराबर शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बराबर शेप आ गया। सेम प्रोसीजर में इसमें भी करेंगे, इसको रखेंगे, निशान लगाएंगे सिल के और कट कर देंगे। ये हमारे दोनों पीस इस तरह से तैयार हो गए। ये देखिए एकदम एक्यूरेट गोलाई आई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पर 4 इंच पर ही कट किया था, इस 4 से अब यहाँ पे चूँकि गोलाई कट चुकी है तो हमें यहाँ से लेके इसका पूरा मेजरमेंट लेना होगा। ये हमारा 36 आ रहा है, तो हमने पहले ही आपको 6x36 का एक क्विल्टेड पीस बताया था। अब इसको और ये जो 14x16 इंच का पीस हमने बीच में ज़िप लगाई है इसको, अब इसमें हम यहाँ पर इस 6 इंच के एरिया पे जहाँ ये ज़िप लगी है इसको यहाँ पर मिलाकर सिल देंगे। इसको इधर सिल देंगे और इसको इस साइड में सिल देंगे। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद इसको हमने जो कट नहीं किया है, अब इस पीस को लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम इसके ऊपर उलट देंगे इस तरह से। ये 4 इंच हमारा इस जोड़ के पास आएगा, इसको यहाँ रखेंगे, पिन लगाएंगे। इस तरह से पिन लगाने के बाद इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, इधर जोड़ेंगे, नेक जोड़ेंगे, शोल्डर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर जब यहाँ इस 4 इंच पर आएंगे तो ये जो बॉर्डर हमारा आ रहा है इसके साथ ये जो 6 इंच का साइड हमने लिया था इसको हम जोड़ते हुए उधर से आ जाएंगे। अब मैं जोड़ती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा। ये 4 इंच से मैं शुरुआत कर रही हूँ। इतना जोड़ने के बाद अब ये पीस जो हमने गोलाई में कट किया था इसको और ये जो साइड वॉल है हमारी 6 इंच वाली, इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आया है। अब इसको बहुत ही आराम से, गोलाई है, खींचना नहीं है, आराम से सिल देना है। इसके अंदर आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। अभी जब और सीधा करेंगे तब इसका पूरा शेप आएगा। और ये जो अब पिन हमने लगाई थी, पिन लगा करके जितना ये भी शेप हमको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, इसको कट कर देंगे। सेम प्रोसीजर में
दूसरा पीस भी जोड़ेंगे दूसरे साइड में, ये 14 इंच वाले एरिया में जो दूसरा साइड है इसमें हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। बेल्ट वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे, सेम प्रोसीजर में पिन लगाएंगे, सेट करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। और इसको अब हम सीधा करके चेक करेंगे, चेक करने के बाद उलट के फिर से इस पर डबल मशीन चला देंगे और ये हमारा बिग साइज बैग कंप्लीट हो गया। ये देखिए है ना, इस तरह से इसका शेप पूरा आ गया है, आ गया पूरा कंप्लीट। और लुकिंग वाइज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, ये सलवार है, ये कुर्ता है, जिप मैंने मैचिंग दे दी है, बैक साइड में एक हमने पॉकेट दे दी है, तो टोटल इसमें हमने 3 पॉकेट और बड़ी दी हैं। ये देखने में छोटी है लेकिन पूरी फुल है अंदर, इधर देखने में भी बड़ी है और साइज में भी बड़ी है। ये देखिए नीट एंड क्लीन वर्क। और एक हमने यहाँ पर ये पूरी पॉकेट दे दी है, काफ़ी गहराई है, 6 इंच की वॉल दी है तो इसमें काफ़ी स्पेस है। अब ये बिग शॉपिंग बैग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें बाहर से यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग देनी होगी और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।